हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारा डे टू है और हम लोग यहाँ से अभी जाने वाले हैं नीलकंठ मंदिर। और वहाँ से दर्शन वगैरह करने के बाद फिर हम जाएंगे अपने कॉटेज एंड वहाँ से हम लोग वाटर राफ्टिंग करेंगे। ये है पूरे एक दिन का हमारा आज का प्लान। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो इन 3, 2 एंड 1। आई होप कि आपने हरिद्वार का मिनी ब्लॉग ज़रूर से देखा होगा। ये था हमारा डे टू इन उत्तराखंड और हम हरिद्वार से सुबह सुबह बस लेकर डायरेक्ट निकल पड़े ऋषिकेश की ओर। और हम सबसे पहले त्रिवेणी घाट गए और त्रिवेणी घाट से ना आपको बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएंगे जहाँ से आप नीलकंठ मंदिर जा सकते हो, नीर वाटरफॉल जा सकते हो और भी बहुत जगह आसपास के आप वहाँ से डायरेक्ट ले सकते हो। तो हम यहाँ से प्लान किए कि नीलकंठ मंदिर जाते हैं और क्योंकि मंडे भी था तो हम सोचे चलो चलते हैं, अच्छा दिन भी है। तो हम नीलकंठ मंदिर की ओर गए और वहाँ जाने के बाद हम वहाँ पे दर्शन भी किए और वहाँ जाने के रास्ते में जो व्यू था वो बहुत अच्छा था, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, बहुत अच्छा व्यू था। वहाँ पहुँचे हम, वहाँ पे हमने प्रसाद लिया, वहाँ हम जल लिए और शिव जी को जल भी डाला हमने और काफ़ी अच्छा था वहाँ का एक्सपीरियंस। ये जो नीलकंठ मंदिर है ना, ये हिल के एकदम ही टॉप पर है और डेंस फॉरेस्ट से सराउंडेड है। मतलब लोग तो वैसे बाय रोड ही जाते हैं बट मोस्ट ऑफ द ट्रेकर्स दे डू द ट्रैकिंग ऑफ 22 किलोमीटर्स और वो वैसे जाते हैं वहाँ पर। एंड ये ना वही जगह है जहाँ पर समुद्र मंथन से निकला हलाहल नाम का जो विष था वो भगवान शिव ने इसी स्थान पर अपने कंठ में धारण किया था और इसकी वजह से उनका जो कंठ है वो नीला पड़ गया था। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स लॉर्ड शिवा केम टू बी नोन एज नीलकंठा। और ये भी स्टोरी हमें वहीं जाकर पता चला जो काफ़ी सुनकर काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो हम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपने कॉटेज की ओर जो कि वहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हम वहाँ गए और वहाँ बाय रोड जाने के बाद भी हमें थोड़ा ट्रैकिंग करना पड़ा और हम वहाँ पर फाइनली पहुँच गए। और पहुँचने के बाद वहाँ का जो व्यू था, ओ माय गॉड, वी विटनेस द ब्यूटीफुल साइड ऑफ ऋषिकेश फ्रॉम हिल टॉप और जो वहाँ का पैरानोमिक व्यू था बहुत ही अच्छा था। सो दिस इज़ द कॉटेज दैट वी बुक्ड फॉर अ डे ऋषिकेश। पंचवटी नाम है इस कॉटेज का जो कि आपको शिवपुरी में मिलता है। बहुत सारे आपको ऐसे टेंट टाइप के कॉटेजेस रिजॉर्ट आपको मिल जाएंगे, अफोर्डेबल प्राइस में आप बुक करके आ सकते हो ऋषिकेश के लिए और बहुत ही अच्छा व्यू है यार। तो 1900 का हमें ये कॉटेज पड़ा विच इंक्लूड 3 times मील एंड राफ्टिंग 10-12 किलोमीटर्स की, विच वॉज अ गुड डील। सो हमने ये कॉटेज बुक किया। अभी लंच का टाइम है तो लंच करके विल गो फॉर राफ्टिंग। लेट्स गो। लंच करने के बाद हम लोग निकल गए थे राफ्टिंग की ओर और राफ्टिंग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक भी जाने के लिए जो भी गाइड है या फिर जो गाड़ी है ये सब कुछ आपके कॉटेज वाले ही करवाते हैं और सारे राफ्टिंग के प्राइस में इंक्लूडेड होते हैं तो कुछ अलग से नहीं देना होता उनको। तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पहुँच गए थे और जो मेरा डर था, जितनी नर्वस थी मैं, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था यार कुछ गलत तो नहीं कर दिया राफ्टिंग के लिए हाँ करके, बट नहीं, ये तो करना ही था यार, ऋषिकेश आना और राफ्टिंग नहीं करना ये तो होना ही नहीं था। सो ये मेरा पहला एडवेंचर था एंड बीइंग अ हाइड्रोफोबिक पर्सन आई डिसाइडेड टू टेक द चैलेंज एंड डू द राफ्टिंग। एंड दिस राफ्टिंग एक्चुअली टीचेस मी द ग्रेट लाइफ लेसन टू बी फियरलेस एंड टू फेस वॉट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू। एंड एक्चुअली मैं ये राफ्टिंग करने के बाद जितने भी रैपिड्स आए थे, टाइड्स आए थे, आई क्रॉस देम फियरलेसली। बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी अच्छा एडवेंचर एक्सपीरियंस था, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बोल सकती हूँ मैं। फिर यहाँ पर हम जो एंडिंग पॉइंट तक आए और यहाँ पे काफ़ी कुछ ना खाने पीने के लिए है तो हमने चाय पिया, मैगी भी खाया हमने
और गाइड हमारा इतना अच्छा था कि उन्होंने बीच में रोका था हमें, जो कि एक्चुअली कोई करते नहीं है ऐसा शायद से, बट उन्होंने बीच में रोका और बीच के पास में हम काफ़ी फ़न किए, मस्ती किए, हमने फ़ोटो क्लिक किया, वीडियो बनाया हमने, जो कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। सो ये गाइड ने ही सारा वीडियो क्लिप किया था। तो हम काफ़ी इन्जॉय किए इस राफ्टिंग में, बहुत से डेंजरस रैपिड्स भी आए थे बट हमने सबको क्रॉस किया। और फिर हम लोग यहाँ से फिर कॉटेज की ओर गए, कॉटेज यहाँ से हमारा काफ़ी पास में था तो वो हम बाय वॉकिंग गए यहाँ पे, और हम शाम का जो भी व्यू था वो इन्जॉय किया हमने। अभी जस्ट हम राफ्टिंग करके आए हैं एंड इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी जाने के लिए, बट देन जब गई तो वहाँ पे हमें जो गाइड मिला था वो बहुत ही अच्छा था, तो बहुत ही अच्छे से हमारा जो राइड है वो कंप्लीट कराया और बहुत ही मज़ेदार था। मतलब आई कांट इवन एक्सप्रेस कि कितना बढ़िया था। और कुछ कुछ ना क्लिप्स हमने ऐसे रिकॉर्ड किया है वहाँ पे, वो मैं आपको अभी दिखाऊँगी कि कितना ही बढ़िया था। एंड डू कम, अगर आप आ रहे हो ऋषिकेश तो जरूर से जरूर ट्राई करना। राफ्टिंग करने के बाद ना हम यहाँ पर पूल इन में काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पे रिजॉर्ट में ना, मतलब मोस्ट ऑफ द हर रिजॉर्ट में आपको इस टाइप का स्विमिंग पूल वगैरह मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिले आप पूल में इन्जॉय कर सकते हो। तो हमने भी क्या, हमने भी थोड़ा बहुत इन्जॉय किया पूल में, और वहाँ से आने के बाद हम यहाँ पर इवनिंग स्नैक जो है वो भी इन्जॉय किए। और अब टाइम है डिनर का, तो अभी चलते हैं डिनर करते हैं। और डिनर इन्जॉय करने के बाद यहाँ पे ना कुछ बॉनफायर का भी है ऐसा बता रहे थे, तो वो भी आपको दिखाते हैं और इन्जॉय करते हैं और इस ब्लॉग को जो है एंड करते हैं।